जेपी जयंती पर हुए सियासी संग्राम के बाद लखनऊ में फिर बड़ा बवाल हो गया। बवाल 24 साल के दलित अमन गौतम की मौत पर, क्योंकि मौत का आरोप लगा है योगी की पुलिस पर, जिसके खिलाफ मृतक के परिजन सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई है। वहीं इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों योगी सरकार पर भयंकर गुस्सा गए हैं। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस मुद्दे से जुड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री योगी जी, आपकी पुलिस दबिश देने जाती है या दबंगई करने? राजधानी लखनऊ के विकास नगर स्थित अंबेडकर पार्क में पुलिस दबिश के दौरान अमन की दुखद मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा दौड़ाने के बाद गिरने और बेरहमी से पिटाई के कारण अमन की मृत्यु हुई है। घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। डीजीपी यूपी मामले की निष्पक्ष जांच करें। चंद्रशेखर आजाद ने सीधा मुख्यमंत्री योगी से सवाल पूछ लिया और इसी सवाल के जरिए यूपी पुलिस पर दबंगई का आरोप मढ़ दिया। साथ ही उन्होंने यूपी डीजीपी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठा दी। ये तो रही भीम आर्मी चीफ की प्रतिक्रिया। अब देखते हैं बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है बतौर मायावती। यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहल्ला गंजराहा पुरवा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में घूमने गए एक दलित युवक के साथ कल शाम पुलिस की बर्बरता से हुई मौत की घटना अति दुखद, लोगों में रोष व्याप्त। सरकार दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पीड़ित परिवार की पूरी मदद भी करे। मायावती ने अमन की मौत पर दुख जताते हुए योगी सरकार से दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उनका ये भी कहना है कि जांच के साथ मृतक के परिजनों की मदद भी सरकार करे। चलिए अब जान लेते हैं आखिर ये मामला क्या है, जिसको यूपी की दो विपक्षी पार्टियों के मुखिया ने सोशल मीडिया पर उठाया है। दरअसल राजधानी के विकास नगर में शुक्रवार रात जुआ खेलने के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा था और मौके पर अमन नाम के शख्स को पुलिस टीम अपने साथ ले गई थी। फिर पुलिस को सूचना मिलती है कि पुलिस हिरासत में उनके बेटे की मौत हो गई। अमन की बहन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। हालांकि लखनऊ पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। फिलहाल आला अधिकारी आगे की जाँच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।